हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में बेस्ट हैं और केमिकल फ्री हैं, ये हम सबको बोलते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस करने का तरीका या प्रोडक्ट शेयर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम लोग मुंह से चाहे कितना भी बोल दें, वन टाइम सेलिंग होगा, हम पे अगर ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई ठीक है, एक बार प्रोडक्ट ले लिया, हम बार बार बोल रहे हैं कि केमिकल फ्री है, बाकी तो लोगों के मन में शंका होती है कि कितना केमिकल फ्री हो सकता है। ठीक है, एक बार ले लिया, लेकिन हम लोग कुछ अलग तरीके से सेल करते हैं या रिटेल करते हैं। हम डेमो दिखाते हैं तो जिससे लोगों के मन की ये शंका पूरी तरह से दूर हो जाती है कि नहीं, अब कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ और फिर डिसीशन कस्टमर के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई आप समझ लो ऐसा होता है और इस तरह से है और आप डिसीशन लो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। तो मैं आज कुछ प्रोडक्ट्स, सब दिखाना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के सामने रख रही हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी दिन हमारा जिससे शुरू होता है, पेस्ट, टूथपेस्ट सब लोग यूज करते हैं, तो मैं ग्लिस्टर, हमारा जो ग्लिस्टर है टूथपेस्ट, उसका मैं डेमो दिखाऊंगी। নরমাল গ্লিস্টার আর এটা হার্বাল গ্লিস্টার, আমাদের দুটো কোয়ালিটি আছে। এই দুটোর সঙ্গে আমরা কম্পেয়ার করব মার্কেটের তিনটে খুবই মানে নাম করা ব্রান্ড, বহুত হি নাম হ্যায় ইন ব্রান্ডস কা, ইসকে সাথ হাম আপনে গ্লিস্টার কা তুলনা করেঙ্গে। ये कुछ कांच की कटोरियां हैं, इसके अंदर मैं दो के अंदर ये इसमें मैं अपना हर्बल ग्लिस्टर रख रही हूं। ये हमारा नॉर्मल ग्लिस्टर है, ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत नामी ब्रांड है। और ये जो मार्केट के तीन काफी नामी दामी ब्रांड्स हैं, इनके साथ मैं हमारे लिस्टर की तुलना कर रही हूँ। यहाँ पे जो करेंगे, ये सबके अंदर, इसके अंदर एसिड है, सबके अंदर मैं दो दो ड्रॉप्स एसिड डाल रही हूं। आप लोग देख सकते हैं ये जो एक्स ब्रांड के जो पेस्ट है उसका रिएक्शन देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है इसलिए पूरा फेना फेना सा निकल गया है, लेकिन हमारा जो ग्लिस्टर है इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, अगर कोई केमिकल है उसी के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, दिखाई दे रहा है ना सबको। तो एसिड हमेशा केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये हमारे जो ग्लिस्टर के अंदर केमिकल नहीं है, और जो एक्स ब्रांड है इतने बहुत लोग इसको यूज करते हैं, इसके अंदर केमिकल है, लेकिन आगे इस तो हमको ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, हमको केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, यहाँ तक तो सही है। लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर केमिकल ये इस तरह का प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है उसके। देखिए ये पेस्ट जो है हम कब यूज करते हैं, मॉर्निंग में, एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग हम पेस्ट यूज करते हैं, जब हम मुंह को धोते हैं, धोने के पेस्ट यूज करने के बाद हम लोग वॉश करते हैं मुंह को, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये तो हमारे मतलब पेस्ट का जो पोर्शन है थोड़ा सा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ट्रैक के अंदर भी घुस सकता है पानी, तो अगर ये या हमारे ओरल कैविटी के अंदर भी ये पेस्ट थोड़ा सा तो रह ही जाता है, और बच्चे लोग तो खा ही लेते हैं इसको, मीठा मीठा लगता है, तो इससे हमारा क्या मतलब नुकसान क्या हो सकता है।
हमारे शरीर के अंदर हमारा जो स्टमक है उसमें उसमें भी एसिड रहता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, सबको पता होगा जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो वो एसिड इसलिए रहता है कि फूड के साथ एसिड मिक्स हो जाता है और तभी कोई भी जो एंजाइम है हमारे मतलब शरीर को फूड को हजम करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, तो वो एंजाइम तभी काम करता है जब फूड एसिड के साथ मिक्स्ड होता है। तो वो हमारे शरीर के अंदर एसिड इसी कारण से रहता है, शरीर में स्टमक के अंदर एसिड रहता है और वो फूड को एसिडिक कर देता है और तब जाके एंजाइम काम करता है। अब अर्ली इसका ग्लिस्टर के साथ क्या ताल्लुक है? अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग जब माइच खाली पेट रहता है, अब जो स्टमक है उसके उसको नहीं पता है, वो तो ब्रेन जैसा उसको इंस्ट्रक्शन देता है उसी के हिसाब से काम करता है। तो अगर उसके स्टमक के अंदर कोई भी चीज पहुंच जाए तो वो एसिड निकलने लगता है। अब अर्ली इन द मॉर्निंग हम पेट के अंदर जब वो मान लीजिए पेट को नहीं पता हमारे पेस्ट का टुकड़ा गया है, या कोई जैसे बच्चा मान लीजिए खा लेता है पेस्ट को, तो अगर पेस्ट का टुकड़ा गया है या कोई बिस्किट का टुकड़ा गया है, ये हमारे शरीर के अंदर का जो हिस्सा है उसको नहीं पता है, और वो जैसे ही पेस्ट अंदर पहुंचता है तो एसिड सिक्रीट करने लगता है। और अगर ये मान लीजिए इस तरह का कोई पेस्ट शरीर के अंदर स्टमक के अंदर गया होगा तो उसके साथ वो एसिड शरीर के अंदर का जो एसिड वो रिएक्शन करके इस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा और जिसके कारण अंदर हमारे पेट के अंदर अल्सर भी हो सकता है। और लेकिन अगर हम हमारा ग्लिस्टर यूज करते हैं तो सब तरफ से हम लोग सेफ रख सकते हैं रह सकते हैं और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये हो गया ग्लिस्टर का डेमो। हमारा एक बहुत फेस वॉश है, बी ब्राइट फेस वॉश। बी ब्राइट फेस वॉश, इसकी तुलना मैं करूंगी मार्केट के एक्स ब्रांड के, बहुत ये भी बहुत नामी दो फेस वॉश है, उनके साथ मैं तुलना करूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी। हम लोग फेस वॉश क्यों यूज करते हैं? बाहर निकलते हैं, धूल मैला कई तरह का केमिकल फ्री रेडिकल सब हमारे स्किन को डैमेज करते हैं, तो उसको वॉश करने के लिए ही हम लोग फेस वॉश यूज करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल या कोई भी पॉल्यूशन पॉल्यूशन को सिग्निफाई करने के लिए मैं यहाँ पर बीटाडीन लोशन, बीटाडीन ये एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है, इसी को मैंने ले लिया है इसके अंदर, और मैं सब तीनों कंटेनर के अंदर 10 ड्रॉप करके डाल रही हूँ पॉल्यूशन दिखाने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके अंदर बराबर मैंने बीटाडीन लोशन डाल दिया है, मतलब इसको पॉल्यूटेड कर दिया है पानी को। अब देखते हैं इसके सफाई कौन कैसा करता है। इसके अंदर हम बी ब्राइट का फेस वॉश डालेंगे, यहाँ पर एक्स ब्रांड, इसमें भी एक्स ब्रांड, दोनों ही काफी फेमस ब्रांड हैं। अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन किस तरह से होता है। ये देखिए जो हमारा बी ब्राइट जिसमें था वो पहले से ही घुलना व्हाइट होना शुरू हो गया है, इसका कलर चेंज हो रहा है। ये जैसा था वैसा ही है, जैसा था वैसा ही कलर है, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। ये भी जैसा था वैसा ही है,
इसका भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। देखिए ये हमारा जो बी ब्राइट फेस वॉश जिसमें डाला था ये काफी सफेद हो गया है, क्लियर हो गया है। और ये अभी भी इसमें कोई थोड़ा सा हल्का, ये वाला थोड़ा सा हल्का हुआ है, ये तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। आप देख सकते हैं ये वाला ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, थोड़ी देर में एकदम व्हाइट हो जाएगा, हम लोग देखेंगे। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि हम फेस वॉश क्यों यूज करते हैं, सफाई करने के लिए। तो ये अगर फेस वॉश अपना काम ही नहीं कर रहा है ये फेस वॉश, तो हम इसको क्यों यूज करेंगे। केमिकल फ्री तो है ही हमारा, तो सब प्रोडक्ट, हमारे सब प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री है, लेकिन ये इसमें ये लोग भी बोलते हैं, ये दोनों ब्रांड्स भी बोलते हैं हमारा केमिकल फ्री है, तो मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ। बस फेस वॉश का काम है फेस को साफ करना, मैले को क्लियर करना। अगर वो अपना काम नहीं करता है तो हम ऐसा फेस वॉश यूज नहीं करेंगे। डिसीशन इज योर्स, आप लोग देख लीजिए। देखिए ये एकदम सफेद हो गया। पर्सोना टैल्कम पाउडर, इसकी तुलना मैं करूंगी, मार्केट के दो बहुत फेमस ब्रांड्स हैं, हम लोग भी पहले यही यूज किया करते थे, और ये वाला तो बच्चों को यूज किया करवाया करते थे कि बच्चों के लिए यही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर भी तीनों के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। पाउडर अगर पानी में मिलता है क्या? पाउडर पानी के साथ नहीं मिलता है, नहीं घुल जाता, घुलता है। हमको शुरू से ही पता है, बचपन से पता है कि पाउडर पानी के साथ नहीं मिक्सअप होता है। लेकिन अब देखते हैं कि कौन सा क्या रिजल्ट दिखाता है। ये वाला हमारा पर्सोना, सबके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा पाउडर डालूंगी। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों जो हैं, ये वाला और ये जॉनसन बेबी पाउडर है और ये वाला पॉन्ड्स, दोनों को देखिए ये ऊपर कैसा मलाई जैसा जम गया है, लेयर पड़ गया है। और हमारा जो पाउडर है इसको हम घोल देते हैं, इसको भी अगर घोलेंगे तो ऐसा ही मलाई जैसा ही पड़ा रहेगा, और यहाँ पर भी ये ऐसा ही पड़ा है। लेकिन हमारा वाला जो पाउडर है आप देख सकते हैं ये एकदम पूरा घुल गया है पानी के साथ, एकदम व्हाइट हो गया है, कोई रेमनेंट नहीं है। और यहाँ देखिए देख सकते हैं कैसा हो गया है, एकदम तेल तेल सा, और ये वाला भी ऐसा ही हो गया है देखिए। तो यहाँ कहने का ये मतलब है दोनों में फर्क क्या है, ऐसा क्यों हुआ। अगर हम लोग पाउडर कब लगाते हैं, पाउडर हम लगाते हैं जब गर्मी के दिनों में पसीना होता है, पसीने को सुखाने के लिए नहाने के बाद हम लोग पाउडर लगाते हैं, तो शरीर में पानी रहता है। और अगर इस तरह का पाउडर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, पानी के साथ ये मिक्सअप नहीं होगा, पसीने के साथ ये मिक्सअप नहीं होगा, और वो ऊपर शरीर के ऊपर क्या है, स्किन के ऊपर एक लेयर सा बना देगा, जिसके कारण हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे और स्किन रिस्पायर नहीं कर सकेगा, सांस नहीं ले सकेगा। स्किन भी तो सांस लेता है, पोर्स से एयर बाहर का ऑक्सीजन अंदर घुसता है और बाहर, और अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। अगर पोर्स बंद हो जाएंगे ऐसा पाउडर यूज करने के बाद, तो क्या अंदर का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल सकेगा, और उससे क्या है, स्किन को एलर्जी हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकता है, यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो सकता है। और बच्चे लोग अगर इसको यूज करेंगे इस तरह का पाउडर, तो आप सोच सकते हैं बच्चों का स्किन कितना नरम होता है और कितना डेलिकेट होता है, उनको कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारा पाउडर देखिए एकदम पूरा घुल गया है, कोई इसको हम बिल्कुल फ्रीली फ्री मूड से हम इसको कोई भी यूज कर सकता है, यहाँ तक कि एकदम न्यू बॉर्न बेबी को भी हम यूज करवा सकते हैं।
फेवरेट प्रोडक्ट है हम लोगों का फाइबर। मैं इसकी जो हम लोगों के सबके मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और शरीर को डिस्टॉक्सिफाई काम करने के काम आता है, हम इसको यूज करते हैं। तो मैं इसका इसकी तुलना मार्केट का जो बहुत कॉमन भूसी यूज करते हैं उसके साथ मैं इसकी तुलना करूंगी। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा पानी लेंगे। एक ग्लास में जो मार्केट एक्स ब्रांड का है, बहुत कॉमन बहुत फेमस बचपन से सुनते आए हैं, ये हम मिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब देखते हैं और इसके अंदर इस साइड में इस वाले ग्लास के अंदर हम अपना न्यूट्रोलाइट का फेमस वेरी फेवरेट फाइबर मिलाएंगे। फाइबर हम सबको पता है इट्स अ इनसॉल्युबल फाइबर और ये जो है इनसॉल्युबल फाइबर मतलब ये घुलता नहीं है और हमारा जो फाइबर है इट इज अ सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल मतलब पानी के साथ घुल जाता है। हम थोड़ी सी देर इसको छोड़ देंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या होगा। सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई, उसके बाद आप देख सकेंगे हमारा जो फाइबर है वो एकदम मिक्सअप हो जाएगा और इसका ये जो पानी है पानी एकदम क्लियर हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर कुछ मिलाया गया था। और इसको आप देख सकते हैं जितनी देर इसको छोड़ेंगे वो एकदम ऐसा ही रह जाएगा और एकदम कैसा माने एकटा थक थक के मतो एकटा जिनिश तैयारी है। देखिए ये हमारे धीरे धीरे एकदम मतलब पानी जो है मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब इससे ये अभी भी ये वाला जो फाइबर है एक्स ब्रांड का ये अभी भी कई लोगों का जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो यूज करते हैं और कई लोगों का अभी भी फेवरेट है। उनको लगता है कि ये जो सॉल्युबल फाइबर है ये काम नहीं करता है और इनसॉल्युबल फाइबर से ही ज्यादा काम होगा, होता होगा ठीक है, वो उनके ऊपर है वो कौन सा चूज करते हैं। लेकिन मैं फर्क बता दूं इससे फायदा क्या है और इससे नुकसान क्या है ये हमारा जान लेना बहुत जरूरी है। ये हमारा जो सॉल्युबल फाइबर है इसके अंदर तीन चीज है, गवार गम मेल्टोडेक्सट्रिन और चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट। ये इन्यूलिन है, इन्यूलिन मतलब एक तरह का स्टार्च होता है जो शरीर के अंदर जाके हमारे जो फूड के साथ मिक्सअप होके फूड को क्लियर करके बाहर निकालता है और गुड बैक्टीरिया के शरीर के अंदर कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं उस गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प करता है। और साथ ही इसके और भी कई काम हैं, ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है और वेट लॉस में भी हेल्प कर, वो सब तो आगे की बात है। लेकिन यहाँ इसको यूज करने में नुकसान क्या है, देखिए कितना जेली जैसा हो गया है। देखिए तो इसको यूज करने में नुकसान ये है कि अगर हम इसको खाते हैं ये तो पानी के साथ मिलता नहीं है, तो अगर पानी के साथ नहीं मिलेगा तो शरीर के अंदर फूड के साथ भी ठीक से मिक्सअप नहीं होगा, ये अलग से ही रहता है। और इसका ये एक और मतलब इससे नुकसान ये है कि ये जो है फूड के साथ मिक्स कर होके फूड का जो न्यूट्रिएंट पार्ट है जो पौष्टिक तत्व है फूड के अंदर उसको अपने साथ मिक्स ले लेता है और उसको भी बाहर निकाल देता है। मुझे लगता है मैं समझा पा रही हूँ, जो हम लोग जो खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ पौष्टिक तत्व तो रहते हैं ना, तो वो पौष्टिक तत्व को इसके अपने साथ मिला के उसको भी एक्सक्रीट आउट कर देता है और उससे क्या होता है कि फूड का जो न्यूट्रिएंट पार्ट है वो ब्लड तक नहीं पहुंचता है, हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचता है। और इसको अगर बहुत ज्यादा दिन लेंगे इसके साथ साथ पौष्टिक तत्व को भी निकालता है, जो गुड बैक्टीरियाज है उसको भी एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ये है मतलब अब चॉइस इज योर्स, ये मैंने तीन चार डेमोज दिखाए हैं, चॉइस इज योर्स कि आप कौन सा चूज करेंगे, एमवे चूज करेंगे या एक्स ब्रांड चूज करेंगे।